वेलकम फ्रेंड्स, मैं आज अपने इस चैनल BHU एंट्रेंस पॉइंट पे आपके सामने BHU BA आर्ट्स और सोशल में जो एंट्रेंस होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले एंट्रेंस जो होता है उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से लेकर के और कंप्लीट उसके क्या क्वालिफिकेशन है और फॉर्म कब आता है, उसकी ड्यूरेशन कितने टाइम रहती है, फॉर्म भरने की मतलब डेट कितनी रहती है, काउंसलिंग कब होता है, इन सब प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी आज मैं दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस BHU BA आर्ट्स और सोशल में जो एंट्रेंस होते हैं उसमें सीट्स कितने हैं। तो सीट इन्फॉर्मेशन होता है तो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, सबसे पहले इसी पे हमें ध्यान देना चाहिए। 2019 में जो एंट्रेंस हुए थे उसमें सीट की संख्या कुछ इस प्रकार थी। आइए देखते हैं, हमारे सामने जो BHU मेन कैंपस है उसमें आर्ट्स फैकल्टी में मेन कैंपस में 614 बच्चों का, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का एडमिशन कम्बाइंडली 614 का हुआ था। फिर MMV BHU मेन कैंपस के अंदर ही है, उसमें सिर्फ फीमेल्स का एडमिशन होता है, वो 230 था। फिर आर्य महिला PG कॉलेज का 307 था, उसमें भी लड़कियों का एडमिशन होता है। और वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें 230 फीमेल का एडमिशन हुआ है। और वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, इसमें 330 फीमेल स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। तो ये आर्ट्स का है। और इसके साथ अगर हम देखें सोशल साइंसेज में, तो सोशल साइंसेज में हमारे सामने 460 बच्चों का जो मेल और फीमेल दोनों हैं उनका एडमिशन हुआ है मेन कैंपस में। MMV में हुआ है 154 और आर्य महिला PG कॉलेज में 307, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन में 169 एंड वसंत कन्या महाविद्यालय में 200 फीमेल्स का एडमिशन हुआ है। ये मुख्यतः इसमें मेन कैंपस होता है और ये 3-4 जो है आउटर कैंपस हैं इसमें भी एडमिशन बच्चों का होता है, लेकिन इनकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मेन कैंपस के बाद स्टार्ट होती है और फी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो ये इतने अप्रोक्स में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। आइए अब आगे चलते हैं कि फॉर्म कब आते हैं, इसके नोटिफिकेशन कब आते हैं, किस वेबसाइट पे आते हैं, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है। तो जो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट है वो BHUonline.com, इस पे इसके फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाते हैं। हमें सबसे पहले उस वेबसाइट पे ही ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि हर साल कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि फरवरी मिड फरवरी में फॉर्म आते हैं, लेकिन चूंकि इस साल हर कुछ पहले एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है तो इस साल चांसेज हैं कि mid-January to February फॉर्म आ जाएंगे और फॉर्म फिलिंग के जो ड्यूरेशन होंगे वो लगभग एक मंथ होगा। और इस एक मंथ में फॉर्म भरा जा सकता है, आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट उसी पे मेंशन रहता है। एग्ज़ाम डेट अगर फॉर्म मिड जनवरी टू फरवरी आता है तो एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि मिड मई से जून तक तो हो ही जाएगा हर हाल में, क्योंकि एकेडमिक सेशन थोड़े से पहले किए जा रहे हैं, UGC के रेगुलेशन है ऐसा कि ऐसा करना है क्योंकि हर सेशन लेट होता जा रहा है। तो इसके थ्रू मई में अगर आपका एंट्रेंस होता है तो विद इन वन मंथ और टेन डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपकी काउंसलिंग लेटर आएगी, फिर उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट इन काउंसलिंग प्रोसेस, ये होगा। उसके बाद आप फी सबमिट करेंगे। फी मेन कैंपस में तो अप्रॉक्स फर्स्ट सेमेस्टर का 2500 के आसपास होता है, बहुत कम नॉमिनल फीस है। और इतनी प्रेस्टिजियस एंड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने पे इतना फी समझिए कि नहीं ही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है जो इन सब में आप एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और एक मतलब मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी क्लास यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ क्वालिफिकेशंस, जिसे आप एलिजिबिलिटी भी कह सकते हैं, वो मेन है, वो अगर ना हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होने चाहिए। आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, अपने स्ट्रीम के हिसाब से, आप चॉइस के हिसाब से फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ BHU BA आर्ट्स और सोशल की है तो इसमें भरने के लिए कोई डिफिनेट बैकग्राउंड नहीं है। आप आर्ट्स से हो, सोशल साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस के किसी बैकग्राउंड से, BHU आर्ट्स एंड सोशल में आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और 12th पास होने के बावजूद आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, चाहे आप किसी बोर्ड से हो। इट डजंट मैटर कि आप ये बोर्ड से हैं वो बोर्ड से हैं, 50% एटलीस्ट आपको मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि आपका मैक्सिमम एज जो होगा वो 22 ईयर्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी अगर आप हैं तो
22 साल आपका एज होगा और इससे ज़्यादा आप होंगे तो आपको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर ये नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें इस डेट तक ये मेंशन किया गया रहता है। फिर रिलैक्सेशन इसमें भी कुछ रहता है, जो एससी एसटी रहते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है और उस अपर एज लिमिट में मतलब 22, 5, 27, और जो ओबीसी होंगे उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। चलिए इसके बाद कुछ और बात करते हैं कि फॉर्म कहाँ आएगा, कैसे आएगा, उसको फिलअप कैसे करेंगे, किस क्या क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट होता है bhuonline.com, इस पर आप हमेशा चेक कर सकते हैं। वैसे आप एक और वेबसाइट है sarkaririzult.com, उस पर भी अब वो लोग देने लगे हैं तो उस पर भी जाके आप अपना ये कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कई बच्चे ये करते हैं कि एक फॉर्म भर दिए बीए आर्ट्स का तो वो 500 लगाए, फिर दूसरा सोशल का डालने गए तो वो 500 और देते हैं। तो ये आप खास बात ध्यान रखेंगे कि एक फॉर्म भरने के लिए 500 है और दूसरा कोई भी फॉर्म आप डालेंगे तो सिर्फ 200 लगेगा, फिर अदर भी अगर कोई डालते हैं तो 200 और लगेगा, और चौथा मतलब अगर कितने भी आप फॉर्म डालें आपका 200 रुपये बढ़ता रहेगा। ये मेन इफेक्ट है इसका। दोस्तों ये बीएचयू आर्ट्स एंड सोशल साइंस के बारे में एक एडमिशन प्रोसेस का एक लिटिल बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने जान ली, कुछ चीज़ें जानते हैं। बीएचयू आर्ट्स फैकल्टी जो है वो 4 फरवरी 1916 में जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग बना था वो सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है यहाँ बीएचयू का। तो इसमें एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए जो भी जिनको एस्पिरेशन है यहाँ पढ़ने का, और काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पढ़ने की, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, एक बेटर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे हर चीज़। अगर आप वेल फोकस्ड एंड वेल फॉर्म तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत यूजफुल रहता है। दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये सिंपल इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम का है। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये होगा कि जो ये तो हो गया इसकी इन्फॉर्मेशन, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं दूंगा, क्योंकि मैं भी एक टॉपर रहा हूँ अपने टाइम पे जब मैं दिया था एंट्रेंस, तो मुझे एक परफेक्ट आइडिया है। और जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है हर साल, हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, जैसे 2018 में लगभग 60-65 जीएस पूछे गए थे, लेकिन 2019 में मैथ्स और रीजनिंग लगभग 60 पूछ दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी दूंगा जिसको आप लोग फॉलो करके इस 5 महीने के टाइम को फुल यूज़ करके और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स ला के विथ हॉस्टल आप सिलेक्शन लेंगे और इस इंस्टीट्यूशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक पार्ट बनेंगे और इतनी अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे वीडियो अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।